पुराना जमाना ना बड़ा कूल होता था, बड़े गिने चुने मतलब कि समझ आने वाले फंक्शंस होते थे, हल्दी हो गई, मेहंदी हो गई, उसके बाद शादी, बात खत्म। आजकल तो भैया शादी के आगे पीछे इतने सारे फंक्शंस होते हैं कि समझ ही नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है। वैसे समझ तो बेचारे सावी और नित्यम को भी नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। अब देखिए ना, एक रिक्शा चलाती थी शादी से पहले, तो दूसरे हैं बिजनेस वाले इंसान, और दोनों को करना पड़ रहा है सालसा। कैसे आएगा समझ? और सावी के इस डांस को देखकर हम ये कहेंगे कि डांस तो भाई इन दोनों के बस की बात है ही नहीं। एक तरफ सावी है जो रिक्शा चलाती थी और एक तरफ नित्यम है जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। भला इन दोनों को अपने काम काज के चक्कर में डांस वांस सीखने की फुर्सत कहाँ मिली है। इसीलिए तो अब जब दोनों को डांस करना पड़ रहा है तो जरा देखिए ना ये दोनों कितना अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। अब भाई शादी भले ही हो गई है इनकी, लेकिन इनके बीच पति पत्नी वाला रिश्ता कहाँ है। अब राइटर साहब ने सोचा होगा कि ऐसे छोटे छोटे सीन से ही इनके बीच थोड़ा बहुत प्यार वाला माहौल क्रिएट होगा। हो सकता है कि ये डांस सावी और नित्यम के प्यार की शुरुआत हो। अगर ऐसा हुआ ना तो अच्छा होगा, क्योंकि रोमांस तो हमेशा से टीवी पर कपल्स के बीच लोग देखना ही चाहते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।